जय श्री कृष्ण दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं वृंदावन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ पे कि महाराज जी भागवत कथा सुनाते हैं। रोज हजारों भक्तों को यहाँ पे भोज प्रसाद यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, अगर आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम यहाँ आना चाहते हैं, भागवत कथा सुनने यहाँ पर आते हैं या अन्य कार्य से हेतु आते हैं, आना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आपको मथुरा जंक्शन उतरना है। वो आप पर निर्भर करता है आप किस राज्य से हैं। हो सकता है बंगाल से होंगे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्य से। तो सबसे पहले दोस्तों, मथुरा जंक्शन में लंबी रूट वाली ट्रेन बहुत कम आती है, एक दो ही आती है। लंबी रूट वाली ट्रेन दिल्ली आती है और वहां से आपको दिल्ली से मथुरा जंक्शन आना है और मथुरा जंक्शन से ऑटो लेकर आपको गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आना है। टोटो भी मिल जाएगा आपको, ऑटो भी मिल जाएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में उपस्थित है और आप यहाँ पर अवश्य आइए दोस्तों। बहुत अच्छा महाराज जी भागवत कथा सुनाते हैं, उनके प्रवचन बहुत अच्छा है, लाखों लोगों का जीवन बदला है। आप भी जरूर आइएगा दोस्तों। तो चलते हैं अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के निकट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रोड भी ये देख सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों ऑटो वाले भैया जो आपको रोड पर उतार देंगे, वहां से आपको पैदल आना होगा। लगभग 15 मिनट का रास्ता है, तो आप आ सकते हैं। काफी यहाँ पर दोस्तों अभी सुबह का 8 बजने वाला है और यहाँ पर काफी संतों का भीड़ है जो कि भगवान की भजन भक्ति करते हैं। आप सभी लोगों को दिए हुए दान से सहायता से यहाँ पे रोज हजारों लोगों की यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ पे आनंद पूर्वक। चलते हैं अभी और निकट, तो देख सकते दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है संतों की। अभी और प्रसाद अभी नहीं चालू हुआ है अभी दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है और अभी और उधर भी संत हैं, संत लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रसाद लेने आए हुए हैं। दोस्तों महाराज जी इसी हॉल में श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, जिससे कि लाखों लोगों का जीवन बदला है, जो कि बुराई को त्याग कर अच्छाई की ओर आए हैं। दोस्तों वो यही स्थान है, अभी हम दिखाएंगे अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। अभी चलते हैं हम वहां पे अंदर। दोस्तों ये महाराज जी जो दिख रहा होगा गौरी गोपाल यहाँ लिखा हुआ है, जो पीला जो फूल है वहीं पर महाराज जी व्यासपीठ पर कथा सुनाते हैं और यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर कथा सुनने आते हैं। ये गेट है यहाँ पे जो गेट लगा है और यहाँ भागवत कथा जो है वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे 6 बजे तक होता है, 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है और 6 से 7 आप महाराज जी से मिल सकते हैं और 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इसी स्थान पर अध्यात्म से जुड़ी यहाँ पे प्रश्न उत्तरी होता है, जो कि भक्तों को जो प्रश्न होते हैं वो महाराज जी से पूछते हैं, गुरु जी से पूछते हैं। अभी जो है दोस्तों अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पोथी चल रहा है पूर्वजों के नाम पर, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम पर उनकी पोथी बैठाया गया है
और पोथी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण जो है पोथी, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग अपना घर से ही यहाँ पर पोथी करवा रहे हैं। दोस्तों आप भी अपने पूर्वजों के नाम पर पोथी बैठवा सकते हैं यहाँ पे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें भगवान के धाम मिले। दोस्तों यहाँ पे बाहर में जो है यहाँ पे बैठे हुए माता लोग यहाँ पे हैं। अभी अभी प्रसाद अभी नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी और संत उधर भी है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको माला मिल जाएगा, देख सकते हैं। 100 का 5 लो, बांसुरी भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि गौर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। दोस्तों हम सब का धर्म है कि हमें सबकी सेवा करना, सबकी मदद करना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब की मदद करना है दोस्तों। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो है सुबह से लेकर के अभी यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ बाहर में सिर्फ संतों का ही प्रसाद मिलता है, और जो भक्त दूर दूर से आते हैं उनके लिए अंदर में उनका प्रसाद मिलता है, उन्हें अंदर में उनके लिए भोजन मिलता है। यहाँ पर सिर्फ बाहर में सिर्फ संतों का यहाँ पर प्रसाद मिलता है। और दोस्तों इसके यहाँ पर 240 अभी वृद्ध मारा रही है यहाँ पे, जो कि जिनके बच्चे अब अपनी माँ को घर से निकाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी माँ को भगवान को निकाल देते अपने घर से। माँ तो देवी का रूप होती है, जो माँ जन्म देती अपने बच्चे को वही बच्चे अपने माँ को निकाल देते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चार मंजिला है, नीचे में जो है जो भक्त आते हैं दूर दूर से उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसाद मिलता है, और इसके दूसरे मंजिला पर जो है दूसरे और तीसरे मंजिला पर वृद्ध मार आती है। 240 माँ सिर्फ यहाँ पर है, और इस यहाँ पर दूसरा तीसरा मंजिला पर वृद्ध मार आती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है। और दोस्तों अभी हम आए हैं इसके ठीक है सामने में, जो है यहाँ पर जहाँ पर कि प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, हजारों संतों का भोजन बनता है, हजारों भक्तों का यहाँ पे भोजन बनता है, जो कि यहाँ पे अभी अंदर का भी दिखाई है। देखिए ये बंदर है जा रहा है, दिखा रहे देख सकते अभी हम अंदर यहाँ पे बाहर में गैस का सिलेंडर रखा हुआ है और अंदर में प्रसाद बन रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बड़ा बड़ा टब में खाना बन रहा है, अभी भोजन बन रहा है, और यहाँ पे रोटी बन रहा है, चावल अभी रोटी बन रहा है, चावल बन रहा है, सब्जी और है, सब्जी बन रहा है। और यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे टॉयलेट रूम है अंदर में, और यहाँ पे हाथ पैर धो सकते हैं यहाँ पे आकर दोस्तों। और यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर साइकिल बाइक यहाँ पर आप यहाँ लगा सकते हैं। और देख सकते यहाँ पे महाराज यहाँ पे साधना देश का नंबर वन आध्यात्मिक चैनल, यहाँ पे कार भी है जिससे कि साधना टीवी साधना चैनल पर आप सभी लोग भागवत कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसी चैनल पर आप सुनते हैं दोस्तों। और दोस्तों काफी ये क्षेत्रों में फैला हुआ है, काफी बड़ा है ये। और दोस्तों यहाँ पे आप जरूर आइएगा, महाराज जी की भागवत कथा प्रवचन सुनने बहुत आइएगा दोस्तों। अगर आप नहीं आए हुए हैं तो जरूर अवश्य आइए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा यहाँ की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो प्रसाद जो है यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे रात तक मिलता है, और रोज कम से कम तो 40 से 50 हजार लोग यहाँ पर संत भक्त रोज आते हैं। राधे राधे।
दोस्तों आप यहाँ पर अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको कमरा मिल जाएगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं